हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इंडेक्स के बारे में, जो इंडेक्स निफ्टी 50 बोलते हैं। वो इंडेक्स में कैसा रहेगा मूवमेंट और मंडे मार्केट में कैसे रहेगा, इसका वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंडेक्स क्या बोलते हैं, जो 50 शेयर जो ब्रांड शेयर है, जैसे रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, उसी ब्रांड शेयर को ले कर एक इंडेक्स बनता है, तो उसको निफ्टी 50 इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स का प्राइस सेम जो स्टॉक का प्राइस को सब भी मिला के इंडेक्स का प्राइस बनाया जाता है। तो इंडेक्स को हम इसलिए फॉलो किया जाता है कि स्टॉक में जैसे मूवमेंट आएगा कि कौन सा आज मार्केट डाउन है, तो इसको पहले इंडेक्स को पहले फॉलो किया जाता है। तो हम देखें पीछे के चाल में, तो पीछे के चाल में हम देखेंगे इंडेक्स में कैसे रहता है मूवमेंट। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो पीछे जो हम देख पा रहे हैं जो कैंडल बना है, उसका जो सपोर्ट जोन में आसपास, सपोर्ट के आसपास ब्रेकआउट दे के वहाँ से मूवमेंट दिया है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मात्र देखा जाए तो 400 पॉइंट का डिस्टेंस है। अगर 18,000 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट देता है 18,000 का ब्रेकआउट होने के बाद, बहुत बड़ा टारगेट आएगा। तो 18,000 जब तक मूवमेंट दिया नहीं, तब तक यहाँ से एक रेंज बाउंड की तरह रहेगा। अगर ब्रेकआउट दिया तो बहुत बड़ा ऊपर आपको टारगेट मिल जाएगा। तो पीछे के चाल हम देख पाएंगे, यहाँ से जो मोमेंट दिया है, चार्ट हमेशा अप डाउन एक रेंज में रहता है। जैसे कोई भी शेयर एक लहर में नहीं चलता है, पीछे की चाल चलता है, फिर दोबारा आगे की रास्ता पकड़ता है। तो इसलिए हम जो इसका सपोर्ट देख पा रहे हैं, ये सपोर्ट कम से कम 17,500 से लेके और 18,000 के बीच में बहुत बड़ा माने सपोर्ट जोन रह जाता है। वही जोन दो ब्रेकआउट जोन आपको 17,500 और 18,000, ये ब्रेकआउट अगर दोनों तरफ किसी भी तरह अगर ब्रेकआउट दे दे तो बहुत बड़ा मोमेंट आने का संकेत है। अगर 17,500 ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से बहुत गिरावट का संभावना रहता है, और ऊपर के भी 18,000 अगर दिया तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ये रहा इंडेक्स। इंडेक्स हम इसलिए बात करते हैं कि इंडेक्स को देखने से पहले हम बाकी शेयर को हम देख सकते हैं। अगर इंडेक्स पॉजिटिव रहता है तो हम दोबारा देख सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी 50 का इंडेक्स का शेयर। तो कल एक IPO आ रहा है, जो 197 कम्युनिकेशन जो IPO Paytm प्रोवाइड कर रहा है, इसी IPO 8 नवंबर को यानी कल ये ओपन हो रहा है। तो ओपन का जो प्राइस इशू रहा है 2,082-2,150 जो प्राइस दिया है, प्राइस बैंड आप इसको ले सकते हैं। तो जो 8 नवंबर टू 10 नवंबर इसका 3 दिन का बीट प्राइस रहेगा, इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, ई कॉमर्स पोर्टल है, मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल है 197 कम्युनिकेशन। और इसका हम देख पा रहे जो इंडस्ट्री, ये तो ई कॉमर्स का है। जो प्राइस इश्यू प्राइस रखा है 2,082 और 2,150 का जो इश्यू प्राइस रखा है, और ये ओपन क्लोज भी दे दिया है टाइम। जो मिनिमम एप्लीकेशन देंगे तो 18,000